नमस्कार। आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। अभी परसों के रोज मैं क्लास ले रहा था जीके की, वहां पर एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर, रेगिस्तान में इतनी तेज आंधी चलती है, उस आंधी में इंसान तो कभी कभी मर जाते हैं, इतनी तेज आंधी चलती है, लेकिन उस आंधी में भी ऊंट चलते रहते हैं और उनकी आंखों में वो जो रेत के कण है वो नहीं घुसते हैं और उनकी आंखें अंधी नहीं होती। आखिर क्या कारण है, आखिर ऊंट की आंखों में ऐसा क्या होता है जो महीन महीन जो धूल के कण है उनकी आंखों में नहीं जाते हैं? तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे भी लगा यार कि मुझे भी उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, तो मैंने कहा था ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। लेकिन जब मैंने इसका पता किया ना, तो वाकई में मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि यार आप लोगों को भी बताया जाना चाहिए कि वाकई में इतनी दूर भरी आंधी में भी ऊंट कैसे देख लेते हैं और उनकी आंखों में ये महीन महीन कण धूल के नहीं जाते। देखिए क्या कारण है। देखिए, रेगिस्तान की आंधी में ऊंट अंधा क्यों नहीं होता है? देखिए आप, ऊंट की आंखों पर तीन पलक होती है। सबसे नंबर वन पॉइंट आप देखिए, ऊंट होता है ना, ऊंट की आंखों पर तीन पलक होती है, अपने इंसान के ऊपर सिर्फ एक पलक होती है। वो पलक आपको पता है क्या काम करती है, वही कचरा वगैरह धूल मिट्टी आने से रोकती है। लेकिन जब अगर तेज आंधी आ जाए, तेज धूल मिट्टी अगर अपनी तरफ आके आए, तो यह पलक काम नहीं करती है। उस वक्त रेगिस्तान की आंधी में यह पलक बिल्कुल काम नहीं करती है, लेकिन ऊंट की तीन पलक होती है। और यही रीजन है कि ऊंट को रेगिस्तान में अंधा नहीं होने देती। अब आप देखिए तीन पलक कैसे काम करती है, ये देखिए आप, जो आंधी की स्थिति में आंखों की रक्षा करती है। अब कैसे करती है ये देखिए, ऊंट की आंखों में पाई जाने वाली पलकें ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे किसी गाड़ी में मौजूद शीशे के वाइपर। ऊंट के जो आंखों पर जो पलकें हैं ना, जब आंधी आती है तो कैसे काम करती है, जैसे आप कोई कार चला रहे हो, तेज बारिश आ रही है, तो बारिश पर वाइपर कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है और आपका कांच बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाता है और आपको क्लीन दिखता है आगे। ठीक वैसे ही जब तेज आंधी आती है तो ऊंट की आंखों पर भी ऐसे ही वाइपर चलता है। वाइपर उस धूल के कणों को साफ करता है और ऊंट को क्लियर दिखाई देता है। जब तेज धूल भरी आंधी आती है तो एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट प्लक आंखों के ऊपर चढ़ जाती है और बड़े बड़े आइस लेंसेस डस्टर की तरह आंखों पर से धूल साफ करते हैं। जब तेज धूल भरी आंधी चलती है ना, तो एक प्लक ऊंट की आंखों पर चढ़ जाती है। उसका काम यही होता है, जैसे जैसे धूल के कण मिट्टी के कण उनके आंखों पर आते रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हुए उनके प्लक पर ऐसे ऐसे चलते हुए उनके आंख को साफ करते रहती है। तो यही ऊंट की विशेषता है आंखों की, जिससे ऊंट धूल भरी आंधी में भी देख सकता है। तो मेन रीजन यही है, इंसान तो इतनी बड़ी आंधी में भी ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे करते रहता है, फिर भी वो कभी कभी तो ऐसे मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन ऊंट की आंखों पर इस तीन पलकों के कारण धूल भरी आंधी में भी ऊंट अंधा नहीं होता है। उनकी इसमें से एक पलक एक वाइपर के रूप में काम करती है उनकी आंखों पर से। वाइपर जैसे आपने कार पर शीशे पर जब बरसात होती है तो वाइपर उस बरसात के पानी को साफ करता रहता है, ऐसे ही इन पलकों में ऊंट की पलक भी ऐसी हो जाती है कि जो धूल आती है उस धूल से वो डस्टर को साफ करते रहते हैं। यही कारण है कि आंधी में ऊंट अंधा नहीं होता है। इसी के साथ आज यही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते रहिए मेरे साथ में।